हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके सैमसंग के फ़ोन पे आपका वाईफाई का प्रॉब्लम, नेटवर्क का प्रॉब्लम या कुछ ब्लूटूथ का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है, तो मैं इस फ़ोन पे करके दिखाऊंगा आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग पे चले जाना है, ठीक है गाइस। सेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। जनरल मैनेजमेंट पे क्लिक कर देने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है शायद रीसेट का ऑप्शन, तो आप लोगों को रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। रीसेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, रीसेट एक्सेबिलिटी सेटिंग और यहाँ पर फैक्टरी डाटा रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर लिखा हुआ है दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग दोस फोर वाईफाई ब्लूटूथ और मोबाइल डाटा का। तो आप लोगों का जो भी वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, डाटा का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और ब्लूटूथ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो अगर आप लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जिस भी सिम का नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, सिम वन या सिम टू, तो यहाँ पर उसको क्लिक कर लेना है। जैसे कि सिम टू पे प्रॉब्लम चल रहा है तो सिम टू पे क्लिक कर लीजिएगा और वन पे चल रहा है तो वन को क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर सिम चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पर रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों का फ़ोन का जो भी पासवर्ड है वो एक बार यहाँ पर दे देंगे। जैसे कि मेरा यह वाला पासवर्ड है, मैंने इसको दे दिया। तो इसको देने के बाद यहाँ पर ऑल नेटवर्क सेटिंग विल बी रीसेट, दिस एक्शन कैन बी अनडन। तो यहाँ पर आप लोगों को रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक कर देने के बाद देखिए गाइस यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखा दे रहा है नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट। ठीक है गाइस, अभी आपका जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेटवर्क का प्रॉब्लम या ब्लूटूथ या वाईफाई तीनों का एक साथ ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है तो मेरा भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। देखिए मेरा डाटा भी ऑन हो रहा है ठीक से। तो आप लोग भी एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर सिम पे प्रॉब्लम होगा तो गाइस ये ठीक नहीं होगा। अगर आपका सेटिंग्स पे कुछ प्रॉब्लम है तो इस पर रीसेट कर देने से सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।